हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी स्टेशनरी पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हमारे पास ये देखिए गाइस, डॉम्स की तरह से आने वाली स्मार्ट किट। वैसे तो ये मार्केट में काफी समय से, पर 2023 में ये बिल्कुल न्यू किट है, जिसका न्यू लुक एंड गाइस अंदर से जो मटेरियल है वो भी काफी तरह से अलग अलग डिजाइन के हमें कलर्स देखने के मिलते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इस किट का बिल्कुल डिटेल में रिव्यू करेंगे एंड गाइस लास्ट में आपको बताएंगे क्या आपको प्राइस के हिसाब से आपको ये किट बाय करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड गाइस, आप मुझे कॉमेंट में जो बताएंगे आपको जो पुरानी वाली किट थी और गाइस नई वाली किट में क्या क्या मटेरियल आपको अलग देखने को मिलता है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारी इस किट के अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू से। तो गाइस, आप देख सकते हैं बाहर से हमारी पैकिंग पूरी कार्डबोर्ड की पैकिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारी डॉम्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, प्लस गाइस हमें यहाँ पे नीचे में स्मार्ट किट लिखा हुआ देखने को मिलता है, किट का नाम एंड गाइस यहाँ पे हमारी पूरी इमेज देखने को मिलती है किट की। एंड गाइस, बैक साइड की बात करें तो गाइस यहाँ पे भी हमें डॉम्स की ब्रांडिंग, स्मार्ट किट का नाम एंड गाइस प्लस कुछ डिटेल हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कलर बुक, पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स कलर, इस तरह के स्केल वगैरह, इस तरह की डिटेल देखने को मिलती है, क्या क्या हमें किट के अंदर देखने को मिल जाता है, एक एक पीस, दो दो पीस कितने भी है सभी कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है पहले से। एंड गाइस यहाँ पे हमारा MRP 500 रुपीज MRP इस किट का पूरा देखने को मिल जाता है। तो इसको अब कर लेते हैं हम अनबॉक्स, को निकालते हैं बाहर। तो गाइस ये देखिए, बॉक्स को रखते हैं साइड में, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कैरी बैग हमें देखने को मिलता है एंड गाइस प्लास्टिक की क्वालिटी काफी ज्यादा बेस्ट है। एंड गाइस यहाँ पे हमारी जिपर बैग देखने को मिलता है। एंड गाइस बैक साइड की बात करें तो गाइस हमें स्टिकर पे यहाँ पे हमारे स्टिकर देखने को मिलता है डॉम स्मार्ट किट एंड गाइस कुछ डिटेल। एंड गाइस ये दो हमें हैंडल्स देखने को मिलते हैं जो गाइस छोटे बच्चे इसको टांग कर भी जा सकते हैं। तो गाइस इसको हम अब करते हैं अनबॉक्स एंड गाइस देखते हैं हमारे किट के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो गाइस सबसे पहले ओपन करने के बाद हमें किट में देखने मिलती है ये देखिए डॉम्स की सुपर डार्क पेंसिल हमें देखने मिलती है, जो गाइस नियॉन पेंसिल हमें देखने मिलती है, जो गाइस मल्टी कलर आते हैं ना उसी तरह की, 5 पीसेस का पैक है एंड गाइस MRP इसका सिर्फ 30 रुपए। तो गाइस ये देखिए ओपन करके दिखा देता हूँ आपको मैं फिर से एक बार, वैसे तो आपको सभी को पता ही होगा कौन सी पेंसिल, पर फिर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वाली पेंसिल है अलग अलग कलर की, नियॉन कलर की, जो गाइस काफी ज्यादा बेस्ट लगती है कलर के वाइज। अगर क्वालिटी की बात करें तो गाइस जो हमारी डॉम्स की जो एक्स वन है ना वो मुझे ज्यादा बेस्ट लगती है। आप भी मुझे कॉमेंट में जो बताना कि आपको कौन सी पेंसिल बेस्ट लगती है, डॉम्स की या फिर कोई अनदर कंपनी की। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आते हैं डॉम्स की, ये देखिए गाइस पेंसिल कलर देखने में। एंड गाइस एक और बात बताऊं, जिसके आगे BI लिखा होता है ना वो हमें 2-in-1 कलर देखने मिलते हैं, मतलब एक ही कलर में कॉम्बिनेशन होता है दो कलर्स का। तो गाइस ओपन करके दिखाता हूं एंड गाइस इसका MRP 120 रुपए हमें देखने मिलता है। तो गाइस प्राइस के हिसाब से काफी हाई रेंज का प्रोडक्ट हमें देखने मिल जाता है। तो गाइस इसको कर लेते हैं ओपन। तो गाइस ये देखिए ओपन करने के बाद हमारी पेंसिल जब निकलती है बाहर, तो गाइस आप देख सकते हैं ये देखिए 2-in-1 कलर है ना, ये देखिए एक साइड ग्रीन है तो गाइस दूसरी साइड से हमें येलो देखने को मिलता है, इसी तरह के ये कलर देखने को मिलते हैं जिसके आगे BI लिखा होता है, जो मतलब सिंपल पेंसिल कलर होता है वो तो आपको सभी को पता ही है। एंड गाइस पर्सनली मेरी बात करें तो गाइस मुझे ये वाले कलर ज्यादा बेस्ट लगते हैं, जो गाइस मतलब डबल साइड वाले होते ना, ये कलर मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं लुक वाइज। नेक्स्ट आइटम हमें देखने मिलते हैं हेक्स ऑयल पेस्टल कलर देखने को मिलते हैं एंड गाइस इसके 12 शेड्स है, डॉम्स की ब्रांडिंग प्लस MRP इसका देखे तो गाइस यहाँ पे हमारा MRP लिखा हुआ देखने मिलता है 100 रुपए MRP, जो गाइस ये भी काफी हाई रेंज में हमें देखने मिलते हैं किट के अंदर। तो गाइस इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ओपन करने के बाद ये देखिए ट्रांसपेरेंट पैकिंग देखने मिलती है, तो गाइस इसको भी ओपन कर लेते हैं पहले। तो गाइस पैकिंग को तो हटा लिया। तो गाइस इसके बाद हमें सबसे पहले हमें स्क्रैपिंग टूल देखने को मिलता है, तो गाइस इसको रखते हैं बस साइड में एंड गाइस इसमें स्क्रैपिंग टूल के भी काफी शेड्स हमें देखने मिलते हैं 4 शेड्स में, तो इसको रखते हैं साइड में एंड गाइस उसके बाद ये प्लास्टिक का इसको भी रखते हैं साइड में। गाइस ये हमारे ऑयल पेस्टल कलर है, जो गाइस काफी बढ़िया क्वालिटी में हमें देखने को मिल जाते कलर। एंड गाइस अगर कलर छोटे हो जाए तो गाइस ये जैसे चॉक होल्डर होता है ना उसी तरह से ये कलर होल्डर है, तो गाइस इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे है तो ये वाला लगाकर काफी कलर बिल्कुल लास्ट तक यूज कर सकते हैं। एंड गाइस ये हमारे कलर्स का कैप हमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस प्राइस एंड क्वालिटी के हिसाब से मुझे ये कलर काफी ज्यादा बेस्ट लगे, क्योंकि इसमें एक तो चॉक होल्डर भी हमें देखने को मिलता है, सॉरी कलर होल्डर भी देखने को मिलता है एंड गाइस कैप भी, एंड गाइस बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया देखने मिलती है एंड गाइस देखने में काफी बढ़िया लग रहे हैं। तो गाइस इसको रख देते एक बार साइड में एंड गाइस इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें एक शार्पनर देखने मिलता है, जो गाइस कुछ इस तरह मटके टाइप शार्पनर देखने मिलता है, जो गाइस इस तरह से ओपन होता है, यहाँ पे हमारी डस्ट कलेक्ट हो जाती है एंड गाइस यहाँ पे हमारी पेंसिल लगती है, 10 रुपए MRP का ये शार्पनर है। तो गाइस इसको भी रख देते साइड में एंड गाइस उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइटम डॉम्स का 10 सेंटीमीटर का स्केल 5 रुपए MRP का। तो गाइस उसके बाद हमारे पास आते हैं ये देखिए डॉम्स के जो गाइस नॉर्मल वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं 12 शेड्स के 10 रुपए MRP, सॉरी गाइस इसमें अभी 15 रुपए MRP आ गए। तो गाइस किट में MRP थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, वैसे नॉर्मल 12 या फिर 10 रुपए MRP देखने को मिलता है, तो गाइस 15 रुपए MRP कलर है। एंड गाइस उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइटम ये देखिए ग्रोव इरेजर, जैसे मैकेनिकल पेंसिल होती है ना उसी तरह से ये मैकेनिकल इरेजर होती है, तो गाइस ये 25 रुपीज MRP में एक तो हमें इरेजर वाली मतलब मैकेनिकल पेंसिल जैसी देखने को मिल जाती है एंड गाइस दो में लीड देखने को मिलती है इरेजर की। तो गाइस ओपन करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी दो ट्यूब देखने को मिलती है, जिसमें हमें
देखिएगा इस तरह की रेजर देखने को मिलते। तो इसको एक बार रखते हैं साइड में। एंड गई ये बात करें हमारी पेंसिल प्लस रेजर की, तो ये देखिएगा इसको किस तरह से हमारी ये वर्क करती है। इस तरह अगर हम क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए जैसे मैकेनिकल पेंसिल का जो लीड लेड होता है ना वो निकलता है, उसी तरह से ये रेजर देख निकलती है। एंड गई ये यूज में काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड अगर आपने अभी तक इसे यूज नहीं किया तो ये मार्केट में इसको बाय करके यूज करके जो देखना, ये काफी ज्यादा बढ़िया होती है नॉर्मल इरेजर से। एंड गाइस अगर आप भी चाहते हैं ना डॉम्स की जो रिट्रैक्टेबल इरेजर है इसका भी एक वीडियो बनाऊं, तो गाइस आप मुझे कमेंट में जो बताने देना, वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। तो गाइस इसके बाद हमारी नेक्स्ट आइटम अगर देखे तो ये देखिए गाइस काफी बड़े साइज के हमें ग्रो प्लास्टिक क्रेयॉन्स देखने मिलते हैं, जो गाइस 25 शेड्स में हमें देखने मिलते हैं। एंड गाइस इसमें बाहर से लिखा हुआ देखने मिलता है फ्री वन ग्रो इरेजर जंबो शार्पनर्स इन साइड दिस पैक, हमें इस पैक के अंदर ही देखने को मिलते हैं। एंड गाइस एमआरपी की बात करें तो गाइस ₹150 एमआरपी पूरा हमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस ओपन करके देखते हैं हमारे किट में ऐसा क्या है इसमें जो इतना एमआरपी हमें देखने मिलता है। तो गाइस 25 शेड्स हैं, वैसे तो हो गई कुछ ना कुछ खास। तो गाइस ये देखिए गाइस सबसे फर्स्ट लुक हमें कुछ इस तरह से देखने मिलता है। पूरी ट्रे में हमारे कलर ही कलर देखने मिलते हैं, 24 शेड्स देखने मिलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 एंड गाइस 25। तो यहाँ पे 24 लिखा हुआ देखने मिलता है, पर ये गाइस यहाँ पे हमारे 25 शेड्स हमें देखने मिलते हैं। एंड गाइस एक हमारा जंबो साइज का शार्पनर देखने मिलता है। अगर कलर की बात करें गाइस कलर काफी बढ़िया नियॉन कलर हमें देखने मिलता है। एंड गाइस चलने में इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेस्ट होने वाली है, मुझे पता है क्योंकि मैंने यूज भी किए हुए हैं। एंड गाइस अगर आपने यूज नहीं किया तो गाइस आप भी यूज करके देखना। एंड गाइस मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि ये कलर किस तरह के हैं। तो गाइस इसको रख देते हैं एक बार साइड में। एंड गाइस उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंड गाइस लास्ट आइटम हमें देखने मिलती है, ये देखिए डॉम्स की एक किड्स जोन ड्राइंग आर्ट बुक देखने मिलती है। इसका एमआरपी मैं देखूं तो गाइस ये देखिए पूरा 100 रुपीज एमआरपी हमें देखने मिलता है। 24 शेड्स हैं और सॉरी पेजेस हमें देखने मिलते हैं। तो गाइस ओपन करके देखते हैं क्या इसमें खास है। हाँ तो गाइस ये देखिए गाइस कुछ इस तरह की नंबरिंग हमें देखने मिलती है, जो हम नंबरिंग को अटैच एक दूसरे से मिलाते जाएंगे तो गाइस कुछ ड्राइंग देखने को मिलेगी, उसके बाद हम इसमें कलर फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से नेक्स्ट काफी बढ़िया बढ़िया डिजाइन आपके लिए देखने को मिल जाते हैं इसमें सभी कलर्स भरने के लिए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली ड्राइंग क्योंकि काफी बढ़िया हमें देखने मिल जाती है। तो गाइस इसको भी रख देते हैं साइड में। इसी के साथ हमारी किट बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी पूरी किट में हमें इतना सामान देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपने पूरी किट का रिव्यू देख लिया, अनबॉक्सिंग भी देख ली। अगर मेरे हिसाब से चले तो गाइस मेरे हिसाब से किट काफी ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें कलर भी काफी बढ़िया बढ़िया देखने मिलते हैं। एक तो हमें जो ग्रोव कलर देखने मिलते हैं ₹150 एमआरपी, ये भी काफी वैल्यू फॉर मनी देखने मिलते हैं क्योंकि कलर की क्वांटिटी प्लस क्वालिटी काफी ज्यादा बेस्ट है। एंड गाइस ये हमारे जो डॉम्स के हेक्स पेस्टल कलर देखने मिलते हैं, ऑयल पेस्टल कलर, ये भी काफी बढ़िया। एंड गाइस जो ड्रॉइंग बुक हमें देखने मिलती है ये डॉम्स की, ये तो मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगी क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली बच्चों के लिए या फिर कोई भी मतलब एज वाले सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। एंड गाइस पर्सनली ये वाले कलर मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगते हैं क्योंकि इसमें 2-in-1 कलर के शेड हमें देखने मिल जाते हैं, इसलिए मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट आइटम जो हमारी डॉम्स के रिट्रैक्टेबल इरेजर देखने मिलते हैं, ये भी काफी ज्यादा बेस्ट है। इसका वीडियो मैं आपको बनाऊंगा अगर आप कॉमेंट में कहेंगे तो। तो गाइस ओवरऑल प्राइस एंड क्वालिटी के हिसाब से मुझे ये किट काफी ज्यादा बेस्ट लगी। एंड गाइस आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये किट किस तरह की लगी। एंड गाइस आप मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताना कि आपको जो पहले वाली किट थी एंड गाइस जो न्यू किट है इसमें दोनों में से किट में से कौन सी किट ज्यादा बेस्ट लगी। एंड गाइस इन दोनों का प्राइस का कंपेरिजन भी जरूर करके आप कॉमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और भी ऐसी स्टेशन रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जो कि ऐसी न्यू स्टेशन रिलेटेड वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।